बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, वो शेयर कर दूंगा मैं बैंकों के हिसाब से, और एक्सचेंज रेट जो भी है जी। आज आपको पहले मैं ए क्यों कर रहा हूँ, ए इसलिए कर रहा था कि आज एक भाई ने कभी मुझसे रब्ता किया व्हाट्सएप के ऊपर, पाकिस्तान में हैं जी, और मुझको बोल रहे थे कि रियाल हैं जी मेरे पास, तो मैं अभी एक्सचेंज करवा लूँ या वेट करूँ। तो मैंने उनको बोला जी कि मेरे मुताबिक तो आप वेट करें अभी। क्यों बोला? आप रेट देख लें, आप भी बोलेंगे। आपको पहले डॉलर दिखा दूँ दो, जो कि आज 219 रुपये 86 पैसे से आज 221 रुपये 42 पैसे हो चुका है, यानी कि एक डेढ़ रुपये तकरीबन या डेढ़ रुपये से कुछ जायद एक ही दिन में मज़ीद डॉलर ऊपर जा चुका है। अगर रियाल रेट के मुताबिक बात करें तो आपको यहाँ पर मैं एक्सचेंज रेट दिखा रहा हूँ, जो कि 69 रुपये 17 पैसे हो चुका है, और ये एक्सचेंज रेट है जी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, भी आपको बता दूँ। वैसे इंडिया का 21.25 है जी, एंड बांग्लादेशी टका 25.32 हो चुका है, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अभी आपको बता देता हूँ मैं। इनमें सबसे पहले बात करेंगे तहवील राजी की, राजी बैंक की, यानी कि इनका रेट आज का 57.87 रुपये हो चुका है, और 10, 17 एंड 25 रियाल फीस है। कल एक भाई ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि राजी का 57.91 रेट है, तो आज 87 है जी, यानी कि यार आप आधे घंटे पर चेक करें, आपको 5-10 पैसे या 20 पैसे का डिफरेंट दिखाई दिया करेगा। ये कोई मुश्किल नहीं होते कुछ पैसों का अगर फ़र्क हो तो। एसटीसी पे की बात करें तो आपको 57.55 रुपये आज का रेट दिखाई देगा, और 17 रियाल इनकी फीस है जी। बैंक अल जजीरा फौरी बैंक, इनका रेट आज का है जी 57.90 रुपये, और 10 रियाल एंड 17 रियाल इनकी फ़ीस है जी। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो आपको 57.82 रुपये आज का रेट दिखाई देगा, और 23 रियाल इनकी फ़ीस है जी। अगर बात करें मनीग्राम की तो आपको 58.05 रुपये रेट, और 23 रियाल इनकी फ़ीस है जी, 58+ में जा चुका है ये। टैली मनी यानी कि ANB बैंक के मतलब बात करें तो आपको 58.07 रुपये रेट दिखाई देगा, और 15 रियाल इनकी फ़ीस होगी जी। अगर हम बात करें इंजाज बैंक के मतलब तो इनका रेट आज का 57.86 रुपये, और 10, 17 एंड 25 रियाल इनकी फीस है जी। अगर क्विक पे के मतलब बात करें तो 58.02 रुपये, यानी कि 58 रुपये हो चुका है क्विक पे का रेट भी, और इनकी भी फीस जो होती है जी वो 10 एंड 17 रियाल होती है। जैसे इनका ATM इजीली बन जाता है, आप उससे भेज सकते हैं, और हॉन्डी वगैरह के थ्रू कल मैंने आपको पिक्चर दिखाकर साथ में बंदे भी दिखा दिए थे जो पकड़े गए हैं, तकरीबन 6,73,000 रियाल की रकम दूसरी कंट्रीज में मुंतकिल करते हुए।